नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्लाइट पर तुमने ड्रिंक्स ली थी क्या? चुप रह, सिर्फ एक बियर पी है। कितनी पी थी ना, ये अभी पता चलेगा। बेटा, माँ, बेटा कितना कमजोर हो गया है तू। ओह माँ, तुम अपने पुराने ख्यालों में ही क्यों रहती हो? ये न्यू जनरेशन है, इसे देखकर पता नहीं चलता क्या? बहुत बोलती है। चलो माँ। चल पापा कहाँ? पापा अंदर हैं, आप आ रहे हैं इसलिए हमें काम पर लगा दिया। अपने पापा को तो जानते हो ना तुम, खुद की हेल्थ का तो ख्याल नहीं रखते, और लोगों की हेल्थ का ख्याल रखने वाले हेल्थ इंस्पेक्टर हैं वो। माँ, तुम तो पिताजी का ख्याल रखती हो ना, तुम्हें तो उन्हें समझाना चाहिए। क्या कह रहे हो, मेरी कही हुई बात वो सुनेंगे? ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? माँ सही कह रही है, जब देखो तब पापा सिर्फ काम काम ही करते हैं। हम तो समझा कर थक गए हैं, अब आप ही उन्हें समझाइए। मैं यहाँ आया हूँ तेरी शादी तय करने के लिए। मूर्ति स्पीकिंग। नो 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 नो, मैं आज नहीं आऊंगा, मैं छुट्टी पर हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डू आई टेल यू आई एम ऑन लीव? यही चीज मुझे पसंद नहीं आती है। आप फोल्डर में क्यों नहीं देखते? एवरीथिंग इज देयर। मैं स्पून फीडिंग करवाऊँ क्या? नो नो नो, मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करता। नो, डू एज आई से। भैया इक्का आ रहा है। सूर्या। अरे, हाय।
क्या बात है, अमेरिका जाकर बॉडी शॉडी बनाकर तो स्मार्ट हो गया यार, लुकिंग लाइक अ हीरो। मेरे भैया तो हमेशा से ही स्मार्ट थे। हाँ, तू इसे समझा चुटकी। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा। तुम कब आए? 10 मिनट हो गए पापा। तुम्हारी जर्नी कैसी रही? अच्छी रही। और काम कैसा चल रहा है? नॉट बैड, एंजॉयिंग द जॉब। हाँ, वेरी गुड। पापा ऐसे क्यों चले गए? 2 साल के बाद भैया आए हैं और पापा कैसे बात कर रहे थे? सूर्या, अंकल एकदम करेक्ट है, ये मेरी गारंटी है। इसका नाटक देखकर ही ना मैं समझ गया था। देख एक्का, मेरा मूड खराब मत कर, ये कुछ ज्यादा ही बात करता है ना माँ। थोड़ा प्यार से 2 मिनट बात कर लेते तो पापा का कुछ बिगड़ जाता क्या माँ? चुप करना माँ, इसकी बातें सही है। ओफो, तुम भाई बहन भी ना। ए, कौन सी फिल्म है यार? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? भैया ने बम से इस बिल्डिंग को उड़ाया था। ये सब तेरा काम है? ये तो पामा डैन का काम है यार। हाँ भाई, पामा डैन में डायनामाइट लगाने वाले IIT पास आउट ही होते हैं। दिस इज फुल्ली साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। ओ, दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। समझ गया, समझ गया। एका को कुछ समझ में नहीं आया, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तू ज्यादा मत बोल, तू यहाँ से जा वरना मैं चला जाऊंगा, समझी ना माँ? मैं जा रहा हूँ। अरे कॉफी तो पी। नहीं, 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 मुझे अंदर भजिया भी पड़े हैं। क्यों बताया उसे? चुप कर। भजिये? मैं किचन से खुद ले लेता हूँ। तुम भी ना। भजिये मुझे भी पसंद है। अरे भूल गई बेटा, अभी लाती हूँ। ये देख, ये जो प्रकाश है ना, ये तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, बस रंग थोड़ा सा सांवला है। प्रकाश बहुत गोरा था, शादी तय होने के बाद थोड़ा फीका हो गया है। तू खुश है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही तेरे चेहरे से ऐसा लगा कि तू उदास है। प्रकाश सच में पसंद है तुझे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं भैया। ऐसा कुछ नहीं, नहीं कुछ तो है। अच्छा, अपने भैया को सच बता। शादी जल्दी तय हो गई है, वो भी अचानक से, इससे पापा का टेंशन बढ़ गया है। तेरी शादी जल्दी तय होने से सबको बेहद खुशी हो रही चुटकी। लेकिन पापा ये सब कैसे कर पाएंगे? हमारी पूरी फैमिली में इस खुशी के लिए कितनी मेहनत की जा रही तुझे पता है? भैया आप सब जानते हैं, पापा का नेचर भी आप जानते हैं। अरे तू उनकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ ये बात नहीं। अरे और क्या बात है भैया? सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा तू बता। मुझे ये घर और आप सबको छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तू चिंता मत कर, प्रकाश अमेरिका जाना चाहता है, ये बात उसने मुझसे कही। वो क्वालिफाइड भी है। तुम दोनों की शादी के बाद तुम दोनों को ही अमेरिका ले जाऊंगा, और उसके बाद में मम्मी पापा और एक्का को भी। एक्का को बिल्कुल मत ले जाइए, उसका केस ही अलग है, अच्छी जॉब छोड़कर वो यहाँ पर आया है। ये जानने के बाद मैं उसके मुँह से 2 बातें सुनना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद तो मैं शॉक हो गया। मैं भी शॉक हो गई थी। उसकी परमानेंट सैलरी कितनी थी पता है? 2 लाख रुपए। देख सूर्या, 2 लाख रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन सिर्फ पैसों से ही खुशी मिलती है, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इन दिस। अरे यार, जिंदगी में जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी जीने भर के पैसे कमा सकता हूँ सूर्या, तू तो जानता है यार। आई हेट बॉसेस, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं यहाँ एम्प्लॉय भी हूँ और खुद बॉस भी हूँ। मैं यहाँ काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, इन सब का फील ही अलग है यार। मल्टीनेशनल कंपनी में ये सब नहीं मिलने वाला। ओह ठीक है ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बनाया हुआ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कैसा चल रहा है? गोइंग गुड, लेकिन ये कोई चैलेंज नहीं है यार, मैं कुछ और रिसर्च करना चाहता हूँ। आज IT फील्ड में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, व्हाइट हैट हैकर्स, यू नो, डिफीट द हैकर्स थ्रू हैकिंग। इस फील्ड में कोई भी आकर कंट्रीब्यूट कर सकता है, यू नो, राइट अप नेशनल सिक्योरिटी। ये है मेरा टारगेट भाई।
सूर्या। हाँ पापा। कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुम्हें? 20 days। ये क्या बेटा, आपकी बार 2 साल बाद आ रहा है, कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो ले आता। इसकी शादी में भी तो आना पड़ेगा ना माँ, सब छुट्टियां भी ले ली तो फिर इसकी शादी में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स बेटर। तुम शादी में अगर जल्दी आओगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा पापा। वो बैंक लोन के बारे में बताइए ना। बैंक लोन अभी क्यों, वो दूसरा लोन लेंगे ना इसकी शादी के खर्च के लिए। शादी के लिए? पापा सिर्फ आप ही नहीं मैं भी तो हूं ना। शादी का सारा खर्च मैं करूंगा, तुम नहीं। अगर तुम चाहो तो इस घर का इंटरनेट बिल भर सकते हो। ओह, पिछले महीने 5,000 रुपए से ज्यादा बिल आया था। तुम भाई बहन हमेशा वीडियो कॉलिंग करते रहते हो। पापा आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, हमने कभी भी वीडियो चैटिंग नहीं की है। सुन लो, तुम्हारे पापा को कंप्यूटर की नॉलेज भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन विंडोज को माइनस करना आता है। माइनस नहीं पापा, मिनिमाइज। हाँ वही, मिनिमाइज करना, अच्छे से आता है। हाँ बेटी, मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर विंडोज को माइनस कर सकता हूँ। हाँ, तुमने क्या सोचा था कि मैं कंप्यूटर के मामले में इलिटरेट हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम इंटरनेट का अनलिमिटेड प्लान ले लेते हैं। आप ही ने नहीं सुना। मैं इंटरनेट का 1,000 रुपए का बिल हर महीने नहीं भर सकता। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ये सब कुछ डॉलर कमाने वाले अपने भाई से कहो, वही भरेगा। मूर्ति सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सारथी, आइए आइए। लगता है मैं एकदम सही वक्त पर आया। अरे सुनो सुब्बू, प्लेट लेकर आओ। सुनिए, एक प्लेट से काम नहीं चलेगा। हाँ तो? अकेला नहीं हूँ। तो कौन है? गायत्री। दीदी यहाँ बैठो। थैंक यू। ये हमारे कृष्णमूर्ति अंकल है। हाय अंकल। ये शुभलक्ष्मी आंटी। हेलो आंटी। हाय। ये है सूर्या, अंकल का बड़ा बेटा, US में रहता है। हाय। हाय। हम लोग पहली बार मिले हैं ना? आपके बारे में पापा ने बताया था। और ये ऐश्वर्या है, इसकी शादी तय हो चुकी है। शादी की खुशी देख रही हो? हाँ, इसके पसंद का लड़का मिल गया ना इसीलिए। और एक और बात बताता हूँ, इस घर का सबसे पावरफुल आदमी कृष्णमूर्ति अंकल का दूसरा बेटा अजमल मोहम्मद। तुम कंफ्यूज हो गई है ना? थोड़ी सी। जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, पास में ही मेरा घर है, मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। नाउ दिस इज माय फैमिली, अब यही मेरी लाइफ है। अरे हाँ, तुमने सबके साथ गायत्री को इंट्रोड्यूस तो करवाया, लेकिन मेरे साथ इसे तुमने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? हाँ ये तो समझ सकता हूँ। अब तू ही इसे समझा। ये आपकी बीवी तो नहीं है, बेटी है क्या? मैं इतना बुढ़ा दिखता हूँ क्या? अब मैं समझा। ये मेरी बहन है गायत्री, 2 साल से मुंबई में पढ़ रही है, ये थोड़ी ना मेरे साथ रहेगी, बस एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवानी। दीदी तुमने कौन सा कोर्स किया है? MBA। अच्छा, किसी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ? अभी तुरंत नहीं, हॉस्टल में वार्डन की बात सुन सुनकर थक चुकी हूँ, अब इनके साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भाई को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, लड़की ढूंढेंगे। सुनो जरा टीवी ऑन करो। क्या बात है सारथी? इट्स अनदर आउटब्रेक। वन सेकेंड डॉक्टर। या टेल मी, हाउ बैड इज द सिचुएशन? 4 बच्चे मर गए। ये कैसी डिजीज है डॉक्टर? इसकी शुरुआत एक फीवर से हुई थी और उसके बाद हैवी वॉमिटिंग। सिम्टम्स के आधार पर देखा जाए तो ये वायरल मायोकार्डिटिस है, ये डेंजरस है। पर इसकी कोई तो दवा होगी? बड़ों को इस बीमारी का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बच्चों के लिए 80% रिस्की है। मैंने फार्मा कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया है। डॉक्टर एक मिनट।